माते जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। और मैं जा रही हूँ आज बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों के टीचरों ने मुझे बुलाया है। बच्चों के साथ प्रोग्राम है, कुछ है, इसलिए मुझे वहां पर बुलाया है कि सुरभि अपनी मम्मी को बुलाकर लाओ, क्योंकि हमारा भी स्कूल फेमस हो जाए इसलिए। ठीक है सर, हम जरूर लाएंगे। हम वायरल, हमें यूट्यूब पैसा दे या न दे, हम वायरल जरूर ले गए हैं, क्योंकि हमें सेवला में बहुत मान्यता मिलने लगी है। हमें बच्चों के स्कूल में भी बुलाया गया है, तो मैं वहां जा रही हूँ। और थोड़ी फीस भी भरनी है मुझे, क्योंकि बच्चों की फीस, खर्चा, आमदनी, खर्चा बहुत है। ये एक महीने की फीस है 3,000 रुपये, तो भरने जा रही हूँ मैं 3,000 रुपयों को। पेपर फीस, ओनली पेपर फीस, और एक महीने की फीस। तो देख सकते हो आप कितना पैसा है, 3,000 रुपये। और खर्चा बहुत है, कमाई है नहीं है इतनी, बहुत प्रॉब्लम होती है किराए के घर में रह रहे के। तो चलते हैं, फीस भी भरेंगे, और वहाँ पर क्या करें, बच्चों के स्कूल में भरनी पड़ेगी। बच्चों को पेपर नहीं दे पाएंगी फिर मेरी बच्चियाँ। आप देख सकते हो कैसे अरे अरे नोट चले जाता है मेरे आदमी की कमाई। ठीक है, चलते हैं वहां पर, है ना, वहीं मिलेंगे। यहाँ पर नारी शक्ति बंधन दिखाया जा रहा है, तो आप देखना आगे से दिखाती हूँ मैं। ये स्कूल में नारी शक्ति बंधन दिखाया जा रहा है। मोदी कहाँ चले गए? तो यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं, देखो सर, टीटू सर है। आज नारी शक्ति बंधन का यह प्रोग्राम एस के सेंट्रल कॉलेज में देखा गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, जिसका देश के सभी वर्ग के हर लोग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, मैं माननीय मोदी जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो सबने आपको कुछ बताया तो होता है, एक स्कूल भी अच्छा है, इसलिए इसमें मैंने अपने बच्चे डाले थे। और देखना बस यहाँ का माहौल देखो, अच्छा लगता है। तो चलती हूँ मैं स्कूल में, और दीदी वर्दी बन बच्चों की। तो सर ने कुछ बताया था आपको, तो योगी मोदी जी के बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं? बोलना, बोलो जी, बोलो बोलो सर, आप बोलो बोलो कुछ। आज नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत माननीय मोदी जी नारियों के लिए विशेष रूप से बोलेंगे। हमारे देश में नारियों के लिए क्या क्या योजना है, सिलाई कढ़ाई, स्वरोजगार की योजना, तमाम तरह की योजनाएं मोदी जी जो घोषित करेंगे, और जो चल रही है और भी योजनाएं नारी शक्ति के बारे में बताएंगे, नारियों के बारे में। थैंक यू, थैंक यू। आंटी आप बोलोगे कुछ? बोलो आंटी, बोलो तुम। इंजेक्शन लगवाए, स्कूल में रख दिए, लेडीज ने कहा सारी सुविधा कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन स्लिप कर रहे हैं, विधवा पेंशन, सिलेंडर बांट रहे हैं। मतलब ऐसे नेता हैं योगी मोदी, जो कि आज तक कोई नेता नहीं हुआ, जो ये नेता हैं प्रधानमंत्री। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आपने देख लिया स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ था, शक्ति, नारी शक्ति के बारे में बताया था। तो नारी इतनी बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, जो नाली खराब नाली कर जाए, पानी सुविधा है जाए, नाली की सुविधा करो मोदी जी भाई, कहा है तुम। करंजा के परेशानी है, मेरी दुकान तक परेशानी है करंजा की, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो मोदी जी प्लीज, आप लोग ये सबका कल्याण कर रहे हैं, इसका भी दुकान इधर का भी कल्याण कर दीजिए, दादा ये खरंजा बन जाए सेवला के, बहुत ज्यादा परेशानी है सेवला में। तो आपने देखा सर लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया था, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, सबको पता है यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। हम तो फेमस है। तो यहाँ अधिकारी भी आए थे, अधिकारी ने बात की आप लोगों से, तो देखा था आपने लोगों ने अधिकारियों से बात किया थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको अधिकारियों से बात कराना।